सुप्रभात बच्चों बच्चों, आज हम बाल राम कथा का एक अध्याय राम और सुग्रीव हमने पढ़ा, और अब पढ़ने के बाद हम इसके कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आप सभी इसके कुछ प्रश्नों को नोट करेंगे और उनको याद करेंगे, ठीक है? तो इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए आ सकता है पेपर में कि सुग्रीव कौन था। सुग्रीव कौन था? तो इसका आंसर रहेगा, सुग्रीव किष्किंधा के बानर राज बाली का छोटा भाई था। ठीक है, तो कहाँ का राजा था वो? किष्किंधा का राजा था। ठीक है, बानर राज बाली का छोटा भाई था। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव को क्या भय हुआ? राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव को क्या भय हुआ? तो राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव को यह भय हुआ कि वे बाली के गुप्तचर हैं तथा उसे मारने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए बाली डर गया। तीसरा प्रश्न है, हनुमान कौन थे? तो बच्चों, हनुमान सुग्रीव के प्रमुख साथी थे। ठीक है, हनुमान सुग्रीव के प्रमुख साथी थे। चौथा प्रश्न है, राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख के शिखर पर कैसे पहुंचे? राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर कैसे पहुंचे? तो राम और लक्ष्मण हनुमान के कंधे पर बैठकर ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर पहुंचे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुग्रीव को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए राम ने क्या किया? सुग्रीव को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए राम ने साल के 7 वृक्ष एक ही बाण से काट दिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम ने पहली बार बाली पर बाण क्यों नहीं चलाया? जब राम बाली और सुग्रीव का युद्ध देख रहे थे तो बाली और सुग्रीव दोनों एक देखने में सेम सेम थे, तो इसीलिए वो निश्चय नहीं कर पाए। तो इसका आंसर रहेगा, बाली और सुग्रीव देखने में एक जैसे लगते थे, राम बाली को पहचान नहीं सके, इसलिए उन्होंने पहली बार बाण नहीं चलाया। अगला प्रश्न है, राम ने हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर भेजते समय क्या कहा? जब राम हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर भेज रहे थे, उन्होंने कहा था कि राम ने दक्षिण दिशा की ओर भेजते हुए हनुमान को अपनी अंगूठी देकर कहा कि जब सीता से भेंट हो तो उन्हें यह दिखाना और वे समझ जाएंगी कि तुम मेरे दूत हो। ठीक है, दूत का मतलब मेरे द्वारा भेजे गए संदेश वाहक हो आप। और अगला प्रश्न है, सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों रहते थे? तो सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर निर्वासित जीवन बिता रहे थे। उनका मूल निवास किष्किंधा था। पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई बाली राजा बने थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, परंतु बाद में किसी बात को लेकर मन मुटाव हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतारू हो गया, और अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख पर्वत पर आना पड़ा। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण से ऋष्यमुख आने का प्रयोजन जानकर हनुमान मुस्कुराने क्यों लगे? राम इसका उत्तर रहेगा, राम लक्ष्मण से उनके ऋष्यमुख आने का प्रयोजन जानकर हनुमान मुस्कुराने लगे। वे समझ गए थे कि राम और सुग्रीव दोनों की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए, इससे वे मित्र हो सकते हैं। और राम अयोध्या से निकाले गए हैं और सुग्रीव किष्किंधा से। राम की पत्नी को रावण उठा ले गया है और सुग्रीव की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के ही पिता नहीं है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस किए, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इनको याद कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।